आज हम खान पर न्यूड तस्वीरें फैलाने का आरोप लगा चुकी हैं जया प्रदा। बॉलीवुड की जानी मानी एक ट्रेस जया प्रदा लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। तेलुगु देशम पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाली जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी से होते हुए आखिरकार बीजेपी की सदस्यता ले ली। चर्चा है कि वे उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। आजम खान से जया प्रदा की अदावत मशहूर है। जया प्रदा आजम खान पर उनकी न्यूड तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप भी लगा चुकी हैं। इससे पहले जया प्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जया प्रदा को अमर सिंह का करीबी माना जाता है। बीजेपी के प्रति अमर सिंह के रुख के बाद से ही माना जा रहा था कि जया प्रदा भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। बताते चलें कि जया प्रदा पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2004 और बाद में 2009 में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद रहीं। जया प्रदा ने 1994 में एनटी रामाराव के निमंत्रण के बाद तेलुगु देशम पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। उस साल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्र में टीडीपी के लिए कैंपेन किया था। 1996 में उन्हें टीडीपी ने राज्यसभा में भी भेजा, लेकिन बाद में चंद्रबाबू नायडू से मतभेद के बाद जया प्रदा ने पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली थी। 2010 में अमर सिंह से करीबी की वजह से जया प्रदा को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद 2011 में जया प्रदा अमर सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच शामिल होगी। जया प्रदा 2014 में राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर बिजनौर से चुनाव भी लड़ी, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। जया प्रदा ने बॉलीवुड ही नहीं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। जया प्रदा ने 1970, 1980, 1990 के दशक में हिंदी और साउथ सिनेमा में राज किया। जया प्रदा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इनमें कामचोर, शराबी माँ, थानेदार, संजोग, मकसद, तोहफा, आज का अर्जुन, ऐलान जंग, सिंदूर, आखिरी रास्ता जैसी फिल्में शामिल हैं। बता दें, राजनीति में आने के बाद भी जया प्रदा फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जया प्रदा को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत कहा जाता था। जया प्रदा ने 1974 में तेलुगु मूवी भूमि कोसम से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने 1979 में आई फिल्म सरगम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।